कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। इस दिन माता अहोई, भगवान शंकर और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। मान्यता है कि अहोई अष्टमी का व्रत संतान प्राप्ति, उसकी लंबी आयु और खुशहाली के लिए रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन माता पार्वती की अहोई के रूप में पूजा की जाती है और तारों को अर्घ्य देकर व्रत पारण किया जाता है। इस साल अहोई अष्टमी का व्रत 28 अक्टूबर गुरुवार को रखा जाएगा। अहोई व्रत की पूजा के दौरान स्याहू माला पहनना और व्रत कथा सुनना जरूरी होता है, तभी इस व्रत को पूर्ण माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक साहूकार के 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए सातों बहुएं और बेटी मिट्टी लाने जंगल गई। बेटी जहां मिट्टी काट रही थी, उस स्थान पर स्याहू अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी के चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। स्याहू इस पर क्रोधित होकर बोली कि तुमने मेरे बच्चों को मारा है, अब मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। स्याहू की बात से डरकर साहूकार की बेटी अपने सातों भाभियों से बचाने की गुहार करने लगी और भाभियों से विनती करने लगी कि वह उसकी जगह पर अपनी कोख बंधवा ले। सातों भाभियों में से सबसे छोटी भाभी को अपनी ननद पर तरस आ गया और वो उसने स्याहू से कहने लगी कि आप मेरी कोख बांधकर अपने क्रोध को समाप्त कर सकती हैं। स्याहू ने उसकी कोख बांध दी। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे हुए वे जीवित नहीं बचे। 7 दिन बाद उनकी मौत हो जाती थी। तब छोटी भाभी ने पंडित को बुलाकर इसका उपाय पूछा तो पंडित ने उसे सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और छोटी बहू से पूछती है, तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है? तब छोटी बहू कहती है कि स्याहू माता ने मेरी कोख बांध दी है जिससे मेरे बच्चे नहीं बचते हैं। आप मेरी कोख खुलवा दे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। सेवा से प्रसन्न सुरही छोटी बहू को स्याहू माता के पास ले जाती है। वहाँ जाते समय रास्ते में दोनों थक कर आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है। तभी छोटी बहू सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहाँ आ जाती है और अपने बच्चे को जीवित देख कर प्रसन्न होती है। इसके बाद वह छोटी बहू और सुरही को स्याहू माता के पास पहुँचा देती है। वहाँ जाकर छोटी बहू स्याहू माता की सेवा करती है जिससे प्रसन्न होकर स्याहू माता उसे 7 पुत्र और 7 बहुओं से समृद्ध होने का आशीर्वाद देती है और घर जाकर अहोई माता का व्रत रखने के लिए कहती है। छोटी भाभी बिल्कुल ऐसा ही करती है, जिसके प्रभाव से छोटी बहू का परिवार पुत्र और बहुओं से भर जाता है।